नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। और अभी मैं मौजूद हूँ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर। उन्होंने यहाँ पर भाषा नियोजन नीति को लेकर प्रेस वार्ता रखा, तो आइए पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। आप लोग को बधाई देता हूँ मेरे सहयोग के लिए। हर समय सहयोग किया आप लोग। आज भी हम चेन्नई में थे, परसों गए थे, कल रहे, आज आए, कहने के बाद भी हमारे सम्मानित सभी प्रेस के लोग आए हैं। हमारा रात में हम लगभग जितने मेरे पास नंबर था सभी को जैसे नोटिफिकेशन हुआ हम सबको अपने फ़ोन के माध्यम से बताने के किए, है ना। और ये प्रथम जिस दिन ये नोटिफिकेशन निकला था भोजपुरी का, मगही का, धनबाद और बोकारो, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री से हमने चर्चा किए कि ये उचित नहीं है, अब फिर से सर्वे कर लें। कहकर धनबाद और बोकारो में एक भी गांव भोजपुरी बोलने वाला नहीं है, न्याय कीजिए हम लोग पर, भरोसा दिलाए थे। फिर पत्र के माध्यम से हमने अवगत कराए जो आप लोग ने छापे भी, और फिर आपका ये कैबिनेट में भी मामला उठाए थे। और माननीय मुख्यमंत्री को मैं आभार जताते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री हमको लगता है देश में कोई नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला। वो बोला कि हम गंभीरता से लेंगे, और गंभीरता से लिए और इसका डिसीजन लिए। इस डिसीजन से हम किस वर्ड से माननीय मुख्यमंत्री को मैंने स्वागत करें, मैंने आवाज़ नहीं आ रहा, कहा कि बहुत ज़ोर से कुछ लोग के बीच कुछ लोगों ने राजनीति शुरू कर दिया था, तो राजनीति के चलते हम लोग राजनीति अब हेमंत सोरेन के आगे किसी का राजनीति नहीं चलेगा। हम यही कहने के लिए कोई भी चीज़ में ये आदमी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला आदमी है और काम का आदमी है, इसलिए हम आप लोग के बीच ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं अभी। फिर कार्यक्रम है क्षेत्र में, जिस तरह से आंदोलन हुआ सर उसके कारण बैकफुट पर सरकार आई। अरे हमारा कहना है ना, सरकार आंदोलन कौन सी आंदोलन किया, धनबाद बोकारो में जिस तरह से कौन सी आंदोलन किया, आंदोलन से ही हुआ है। हम यदि कैबिनेट में नहीं उठाते तो आंदोलन से हो जाता। यदि आंदोलन से करना है तो अभी पलामू बाकी है, करा दो ना, उस पर भी सरकार विचार कर रही है। नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, जो आंदोलनकारी है वो लोग से कहते हैं आपके माध्यम से, पलामू, चतरा, गढ़वा बाकी है, करा दो ना, बड़ी चौक है तो आंदोलन। मतलब इसका पूरा क्रेडिट आप अपने आप को, नहीं पूरा महतो को, इन्हीं को देना चाहते हैं, आंदोलनकारियों को कोई क्रेडिट नहीं। अरे आंदोलन मांग रखा है, क्रेडिट के कहाँ बात है, आप उचित फार्म पर बात नहीं रखेंगे तो फिर क्रेडिट की क्या बात। एक दिन अखबार में आ गया कि आजसू और भाजपा के लोग राष्ट्रपति से मिले भाषा विवाद लेकर, लेकिन वहाँ कुछ यहाँ कुछ, तो ऐसा नहीं होता है। हम जहाँ भुलाए हैं वहीं खोजेंगे, वहीं ना पाएंगे। हम खोजेंगे रांची में भुलाए हैं और दिल्ली में जब खोजेंगे मिलेगा, वही लोग का देन था जहाँ 2018 में ये पैदा किया, यहाँ भोजपुरी लाया,
पहले तो हेमंत सोरेन झारखंड से भोजपुरी हटाया, अब जिला भाज के कुछ बात है, हम लोग की बात है, हम लोग की बात सुने, जनता की बात सुने, श्रेय सबकी जाता है, आप लोग का भी श्रेय जाता है, अखबार में काफ़ी आप लोगों ने लिखा है। बाकी राज्यों में सर जहाँ नहीं हटाया गया वहाँ के लिए, वहाँ के लिए वहाँ का जो हमारा आंदोलनकारी है उनसे कुछ बताओ। आपका सर क्या है? हम उसमें अभी कुछ नहीं बोलेंगे। जगन्नाथ दा एक चीज सिर्फ बता दीजिए कि सरकार क्या बेसमानी, क्या किस आधार पर क्षेत्रीय भाषाओं का चयन किया गया और जनजातीय भाषा का सरकार ने क्या आधार माना है? आधार भोजपुरी बोलने वाला कोई धनबाद और बोकारो में नहीं, कोई गांव नहीं। हाँ बाहर से आए हैं, बिहार से आए हैं। अगर ये आधार है तो उर्दू बोलने वाला कहाँ? उर्दू तो झारखंड के भी हैं, खतियानी रैयत थे लोग। झारखंड में तो जोर खोटा बोलते हैं। 24 जिला में आपकी सरकार ने कहा है कि एकमात्र भाषा है जो उर्दू, जो 2400 जिला में बोली जाती है। मैंने सभी जिले में है बोलने वाला। इसका आधार क्या है, जिस आधार से आप लोग? अरे आधार जाति आधार है, सब जात सब कौन जिला में नहीं है मुस्लिम। मंत्री जी आपकी सरकार तो आधार भाषा के आधार पर आप राज्य को बांट रहे हैं के विपक्ष आरोप लगा रहा है आपकी सरकार पर? अरे विपक्ष का कुछ रहेगा तब ना, उनका आरोप लगाना काम है, अपने समय तो कुछ किया नहीं और उन्हें बांटा 13 जिला 11 जिला, वो क्या किया था? जो वो लोग कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम तो झारखंड के हित में काम कर रहे हैं। नहीं नहीं जगन्नाथ, आपकी सरकार ने अगर निर्णय लिया होगा कोई तो आधार बनाया होगा, नहीं तो आधार आपकी सरकार आएगी फिर बदलेगी, फिर आपकी सरकार आएगी फिर बदलेगी, ऐसा हर बार होता रहेगा। मेरा आधार है। हाँ, क्या आधार तो, बनाया सरकार? हम तो बताए ना, वो बोले थे हम जांच करते हैं, जांच के दौरान कोई भी गांव में भोजपुरी बोलने वाला नहीं, यही आधार है। भाषा नीति तो होनी चाहिए ना। तो क्या सरकार ने जनमत संग्रह किया था बाकी भाषाओं को जोड़ने के लिए? अरे जनमत संग्रह की बात ने जो वहाँ हम लोग का बात सुना गया कि हमने जो कहा, हमने जाके कहा कि इस तरह की बात है, तो देखा गया कि कहीं भोजपुरी बोलने वाला है ही नहीं। लागू करने के बाद जांच करने का क्या तात्पर्य? उर्दू बोलने वाला भी तो कोई नहीं है झारखंड में। अगर मुस्लिम आप बोल रहे हैं तो भाषा जो है क्षेत्र के आधार पर लोग बोलते हैं। अच्छा, धर्म के आधार पर कोई भाषा आज की दुनिया में नहीं। हमको धर्म के आधार पर उसको नहीं लिया गया है। उर्दू भाषा है कि नहीं? उर्दू भाषा है, लेकिन उर्दू भाषा झारखंड में कोई नहीं बोलता है। कैसे नहीं बोलता है? तुम बोलो। नहीं नहीं, तो यही तो बात हुआ, सरकार बोल रही है बोलते हैं, वो बोलते हैं नहीं बोल रहे हैं, तो सरकार ने क्या आधार बनाया भाषाओं को जोड़ने के लिए? ये हम जानना चाहते हैं, या कुछ भी अपने क्षेत्र के हिसाब से उस विवाद पर नहीं फंसना चाहते क्या है नहीं है, लेकिन मेरा जो सपना था ये पूरा हो। सर मेरा एक सवाल है आखिरी तक, जब आप इस बात को सुनने को तैयार नहीं है, आधार बनाने को तैयार नहीं है। हम सुनने के लिए तैयार हैं, बोलिए। आधार क्या है? क्यों, कौन सी आधार? जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को कैसे जिलावार वाइज माना? तो वो तो है ही है, हिंदी तो है ही है, भारत की द्वितीय राजभाषा है, पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। तो द्वितीय भाषा कैसे हो सकती? द्वितीय राजभाषा है ना, द्वितीय राजभाषा तो भोजपुरी भी है, क्षेत्रीय भाषा भी है, झारखंड में है। क्या बोला? बिहार के बात करो ना, झारखंड में बिहार का क्यों? झारखंड में आप सरकार ने भोजपुरी और मराठी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। मूलतः भोजपुरी बिहार में है तो एक जिला में, खाली भोजपुर में, भागलपुर में अलग भाषा है, छपरा मोतिहारी बगहा बक्सर चारों भोजपुरी है, यहाँ तक है गढ़वा तक। कितना जिला है? तो बिहार की बात है। अरे बिहार में कितना जिला है? एक सवाल जगन्नाथ दा, मेरा एक आखिरी सवाल ले लीजिए, जब आपकी सरकार मान रही है कि 2400 जिला में उर्दू बोलने वाले लोग हैं और उनकी संख्या 10% से अधिक है, क्योंकि आपने कहा था 10% से कम है भोजपुरी मगही, इसलिए हटना चाहिए 10%। तो क्या शिक्षा मंत्री राज्य के सारे स्कूलों में अनिवार्य करेंगे उर्दू की पढ़ाई? देखिए जहाँ मकतब है, मदरसा है, वहाँ तो पढ़ता ही है, सरकारी
मकतब है, सरकारी मदरसा है, वहाँ तो उर्दू पढ़ता ही है। नहीं नहीं, बाकी सारे स्कूलों में, अरे बाकी सरकारी मदरसा है, सरकारी मकतब है, वहाँ तो पढ़ाई होता ही है। नहीं नहीं, तो सरकारी में तो हिंदी भी पढ़ाई होता है, आप उसको कहाँ मान रहे हैं? कहाँ नहीं पढ़ना मान रहे, हिंदी में पढ़ाई होती है ना मीडियम। कहाँ? अमीर का बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है, गरीब का बच्चा हिंदी मीडियम से। हाँ, इसीलिए हम लोग इंग्लिश मीडियम भी सरकारी स्कूल में खोल रहे हैं। लेकिन अगर उर्दू है तो हिंदी और इंग्लिश को भी डाल दीजिए फिर तो। क्या क्षेत्रीय भाषा की जो सूची है, उर्दू हो सकता है, हिंदी और इंग्लिश को भी डाल दीजिए भाई मेरे, एक बार की कुछ होगा। अच्छा, धीरे धीरे जो भी आएगा। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल कि जो बिहारी भाषा और जिसको आप भोजपुरी को बिहार का भाषा कह रहे हैं उसको हटा के उर्दू जो उत्तर प्रदेश का सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, तो बिहारी का भाषा को हटा के उत्तर प्रदेश का भाषा को रखिएगा? इंडिया में द्वितीय राजभाषा है कि नहीं? है ना, तो मोदी जी को हटा देना चाहिए। 5 साल का कर रहे थे, 7 साल से उन्होंने तो उर्दू रखी, हिंदी तो, अरे उसको हटा देना चाहिए ना। आप कितने पूरे देश में कितने राज्य है? 29 राज्य में मात्र 13 राज्य हिंदी भाषा भाषी के हैं। लेकिन उर्दू का विरोध का बात नहीं, लेकिन ये क्षेत्रीय भाषा की सूची है ना, आप उसको क्षेत्रीय भाषा मान रहे हैं। अभी हम चेन्नई से आ रहे हैं, राष्ट्रभाषा है क्या? राष्ट्रभाषा है, बाहर जाते हैं चेन्नई वगैरह हिंदी तो सब जगह पर। अरे साउथ जा रहे हैं? हाँ गए सर। जाते हैं? हाँ। कोई बोलता है क्या? बोलता है, वहाँ पे इंग्लिश और तेलुगु जो साउथ लैंग्वेज। अरे वो बोलता है क्या? अब आगे 1932 के पे भी लगेंगे क्या सर? ये तो चलिए भाषा में हो गया, 1932 का अध्ययन को लेके क्या आप अड़िग है उसको लेके? राजद टांग तो नहीं खींचेगी ना 1932 पर? अरे भैया वो भी 1932 से है, उस पे अड़िग है सर। अरे अड़ना क्या है, मेरा चुनावी एजेंडा है, मैनोफेस्टो में है, इसलिए दिखा रहे हैं। अच्छा सर, ये जो धनबाद और बोकारो में जो भोजपुरी मगही जोड़ा गया था, तो कैसे जोड़ा गया, क्या वहाँ मौजूद नहीं? अब पुरानी बात मत पूछिए, आप पुरानी बात छोड़ दीजिए, आप नई बात पूछिए। सवाल तो वहीं से शुरू हो रहा था सर, उससे अलग हट के उसमें कहीं वोट दिखाई पड़ा सरकार को? वोट बैंक के लिए तो ऐसा नहीं किया, और अब हटाया तो ज्यादा वोट दिखाई पड़ा सरकार को? नहीं, वोट के तो लोग राजनीति करता है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम। आज हमको वोट मिला है तो ये सम्मान मिला है, वोट नहीं रहता तो सम्मान मिलता क्या? वोट का राजनीति लोग करता है। हम एकदम सीधा सीधी बात करते हैं, लेकिन मेरा अधिकार था, अधिकार पर बात करते हैं। तो अब यह माना जाए कि इसका पटा छेप हो गया? अभी तक तो है, आज तक तो है, कल है तो होबे क्या रात में? अरे विवाद उठेगा, कौन चीज का समस्या का समाधान नहीं होता है। अब ये जो बार बार हमको पूछते थे अब लोग, भाषा विवाद आज से खत्म। लेकिन आप पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ भैया, मंत्रिमंडल में जो फैसला होता है उसको बाहर लेकर आप जाते हैं, और मंत्रिमंडल में अगर फैसला हुआ था कहाँ पूरे मामले का भाषा विवाद? मंत्रिमंडल का फैसला, मंत्रिमंडल में ये हुआ होगा ना फैसला? नहीं ना, नहीं था मंत्रिमंडल में, किसी ने नहीं किया नहीं, मंत्रिमंडल नहीं, उसमें नहीं था, किस किन लोगों ने कर दिया ऐसा? मंत्रिमंडल में, मंत्रिमंडल में हमने बात उठाया था। सर सवाल सर है कि सात सीएम को थैंक्स देंगे कांग्रेसियों को भी? पूछने तो पूरा सात राज्यों में से जो बंद है स्कूल, एक सात राज्यों में 5% सात जिलों में सर 5% से भी कम हो गया संक्रमण दर। क्या रांची में भी उम्मीद है सर? आप पिछले बार 24 तारीख को ये मामला कब खुलेगा बता दें? 24 तारीख का आपका थी है कैबिनेट है, कब खुलेगा बता दें? परीक्षा को लेकर सर, परीक्षा तो समय पर होगा, मतलब सर 24 के बाद से खुलने को उम्मीद है रांची में भी? समय कब तक सर? उम्मीद सर परीक्षा समय पर होगा और समय पर रिजल्ट होगा।
शुरू से स्पष्ट है। हाँ हाँ मैंने पढ़ लिया। हम लोग हर प्रयोग शाला में प्रयोग के अनुसार, जैसे लैब में जांच करते हैं ना, अच्छा चीज निकलता है वही करते हैं। ये प्रयोग हो रहा है मैट्रिक और इंटर का, प्रयोग में देखेंगे कि अच्छा हो रहा है तो ठीक है, न तो खतियान तो लागू होना ही चाहिए। हमारा एकदम स्पष्ट करना, जब हम बिहार में थे तो हम 1932 के आधारित हमारा स्थानीय बनता था, अलग होने के बाद क्या हो गया जो हमारा नहीं बनेगा। 1932 में तो प्रयोग का बात नहीं किया था क्या? मैनिफेस्टो में तो प्रयोग का बात नहीं था 1932। अरे अभी मैट्रिक और इंटर की बात है तब बोल रहे हैं प्रयोग की बात। दादा एक और बात है, लोबिन हेम्ब्रम आपसे और सरकार से खासा नाराज है। वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोड्डा में कहा सरकार नहीं सर्कस है, 6-6 महीना में अपना स्टैंड बदल देती है। उन्होंने कहा है कि गुरु जी के सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं होगा, शराब नीति को ध्यान में रखकर उन्होंने सारे विधायकों को पत्र लिखने की बात कही। शराब कहाँ से आ गया बाबा? अभी भाषा से शराब में किस चल रही है? अरे लोबिन जी मेरे बड़े भाई हैं, बहुत जानकार आदमी, फाउंडर मेंबर है जेएमएम का। तो उनकी बात मानेंगे आप? सबकी बात मानेंगे, आपके भी बात मानेंगे। तो आपने सुना कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन से अच्छा मुख्यमंत्री कोई हो ही नहीं सकता। रांची से सहयोगी सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज, जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।